बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोडल अफसरों के साथ कर रहे हैं अहम बैठक। नोडल अफसरों में 16 IAS और 16 IPS शामिल हैं। कई अहम मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने नोडल अफसरों को सौंपी है कई अहम जिम्मेदारियां। अन्य राज्यों से समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आने वाली खाद्य सामग्रियों को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। और इसी कड़ी में इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक कर रहे हैं। नोडल अफसरों में 16 IAS और 16 IPS शामिल हैं। नोडल अफसरों को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, मतलब अन्य राज्यों से समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में जो खाद्य सामग्री आ रही है उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो अब एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है आने वाले दिनों की, किस तरह से जो समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं उन समस्याओं को कम से कम किया जा सके या पूरी तरह से खत्म किया जा सके, और जो जरूरी सामान की आवाजाही है वो निरंतर बनी रहे, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यूपी में जो खाद्य सामग्री पहुंचाई जानी है उसकी जिम्मेदारी भी अब नोडल अफसरों को दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग भी करते रहे हैं और बैठकों का दौर भी लगातार जारी रहा है। मकसद एक ही है, कोरोना को तो हराना ही है, साथ ही साथ आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी वक्त वक्त पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोडल अफसरों के साथ फिलहाल बैठक कर रहे हैं। बैठक में 16 IAS और 16 IPS मौजूद हैं। नोडल अफसरों को इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, अन्य राज्यों से समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ यूपी में जो खाद्य सामग्री पहुंचा जाने है उसकी जिम्मेदारी भी दी गई है, और भी कई जिम्मेदारियां इन नोडल अधिकारियों को सौंपी गई है। मकसद एक ही है, जनता को किसी तरह की परेशानी का ना सामना करना पड़े, और भी कई महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं जो इस बैठक का एजेंडा है। कोरोना को हराना है, कोरोना का खात्मा करना है, लेकिन साथ ही साथ जनता के सामने किसी भी तरह की समस्या ना आए इसको लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने हैं। कल 21 दिनों के लॉकडाउन का अंतिम दिन है, लेकिन उसके बावजूद आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार लेगी, और इसी कड़ी में अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नोडल अफसरों को दी गई है।